Yes, hello everyone. Good evening, all of you. Yes, I'm audible. Yes, kindly reply in the live chat box. Yes, I'm audible, everyone. Just wait for 2 minutes. So, let's start. So, in the last lecture that we have covered some national parks that इज इन एम पी. ओके, सो एम पी में जितने भी नेशनल पार्क्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में. सो जिसमें हमने बांधवगढ़ देखा है, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रिय दर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना संजय नेशनल पार्क, सातपुड़ा नेशनल पार्क एंड लास्ट इज द वन विहार नेशनल पार्क. सो टोटल देर आर 9 नेशनल पार्क्स इन द एम पी, जो कि सबसे हाइएस्ट अगर नेशनल पार्क देखे जाए तो वो कहाँ पे आते हैं, एमपी में आते हैं. ठीक है, सो वो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कवर किया था. सो एक बार फास्ट एक बार आपको यहाँ से ओवरलुक कर लेता हूँ. सो दैट इज गोगुआ नेशनल पार्क होगा या पेंच, जिसके बारे में हमने मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखे थे. देन कान्हा देखा था, जहाँ के बैगा ट्राइब्स वगैरह फेमस है. एंड लास्ट लेक्चर में हमने माधव नेशनल पार्क प्लस पन्ना नेशनल पार्क, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आएगा, राइट. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया. तो ये हमने कल कवर किया था. देन उसके बाद केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, या फिर ये जो बेटवा रिवर है, तो दैट इज फ्लोज फ्रॉम यस पन्ना रीजन. तो केन एंड बेटवा के आसपास अगर देखा जाए तो कौन सा नेशनल पार्क आता है या कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आता है, दैट इज द पन्ना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कल हमने फैक्ट्स कवर किए थे. देन उसके बाद संजय नेशनल पार्क, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, देन उसके बाद वन विहार नेशनल पार्क, ये सब हमने कल के लेक्चर में कवर किए थे. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द राजस्थान, जो कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो टोटल 5 नेशनल पार्क्स आते हैं. दैट इज फर्स्ट इज द मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, देन सेकेंड इज द डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि थार डेजर्ट के आसपास आता है. सो दैट इज द डेजर्ट नेशनल पार्क. देन केवलादेव घाना नेशनल पार्क, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं आगे इसके फैक्ट्स. देन रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे ईस्ट की तरफ आएगा. तो मोस्ट ऑफ द ईस्ट की तरफ आपको ज़्यादातर दिखेंगे नेशनल पार्क. टोटल 4 नेशनल पार्क इज टूवर्ड द ईस्ट ऑफ राजस्थान. एंड एक ही नेशनल पार्क ऐसा है, डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट की तरफ आता है, राइट. तो देखते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट इज द मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, जो कि ईस्ट ऑफ अरावली हम बोल सकते हैं, या चंबल रिवर के आसपास यहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है. एंड एज यू नो दैट कि चंबल इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, ओके, जो कि यहाँ से एग्जैक्टली फ्लो होती है मुकुंद्रा हिल्स से. और अदर फैक्ट्स अगर हम देखते हैं, सो दैट इज द इट इज़ द दरहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, सो ये जवाहर सागर एक इंपॉर्टेंट डैम भी यहाँ पे आसपास देखने को मिलेगा. सो ये सब जो इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है तो वो कौन से नेशनल पार्क के पार्ट है, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सो दैट इज दरा नेशनल चंबल सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, सो ये सब यहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड रहेंगे. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द काठियावाड़ गिर डेसिडियस ड्राई काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो होता है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड होगा. एंड चंबल रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से फ्लो होती है. ओके, देन आफ्टर दैट बंगाल टाइगर, इंडियन वुल्फ हो गए, इंडियन लियोपर्ड एक्सेट्रा, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट यस फैक्टर्स हो गए. यस, इसका पीडीएफ जो है, ज्योति शायद आपका जो क्वेश्चन है, सो दैट इज इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा. सो यस, जस्ट गो टू द अनअकैडमी ऐप. ओके, अनअकैडमी का जो ऐप है वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ से जस्ट आपको टाइप करना है, दैट इज सुमित कोंडे. एंड आफ्टर दैट आपको फ्री क्लासेस दिखेंगे. तो जितने भी फ्री क्लासेस हो गए तो उसमें बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यू विल सी द नेशनल पार्क रिलेटेड ऑल दिस सीरीज, एंटायर सीरीज ऑन द नेशनल पार्क. टोटल 8 to 9 लेक्चर्स आर देयर रिलेटेड टू द नेशनल पार्क. सो वहाँ से आप लेक्चर्स भी देख सकते हो एंड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. अंडरस्टूड? यस. सो नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट इज द डेजर्ट नेशनल पार्क, विच इज़ वेरी यूनिक वन, जो भी हमने अभी तक मतलब या एंटायर इंडिया के जो 105 नेशनल पार्क्स है, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो, सो दैट इज़ द राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर रीजन जो है, तो वो डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग में एक ही नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा. एंड दैट इज़ द डेजर्ट नेशनल पार्क. देखो पूरा एंटायरली डेजर्ट काइंड ऑफ रीजन है, थार डेजर्ट के आसपास वाला ये पार्ट है, जैसलमेर बाड़मेर के कुछ रीजन्स में आता है. एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ फॉर्म्स अ शार्प बाउंड्री विद द साउथ. ओके, मतलब ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है कि जिसके नॉर्थ में थोड़ा सा डेजर्ट दिख सकता है आप लोग, या डेजर्ट नेशनल पार्क होगा. सो दैट इज़ द रन ऑफ कच्छ, मतलब गुजरात में अगर आप देखते हो, सो गुजरात का ये अगर पार्ट हम थोड़ा सा हल्का सा देख पाते हैं ऐसा है. ठीक है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गुजरात. तो यहाँ पे आपको रन ऑफ कच्छ का रीजन दिखेगा और इसके ऊपर ही थार डेजर्ट राजस्थान का पार्ट आता है या फिर डेजर्ट नेशनल पार्क आता है.
तो यही जो एक बाउंड्री हम बोल सकते हैं कि इसके नीचे डेजर्ट नेशनल पार्क के नीचे आपको रन ऑफ कच्छ दिखने को मिलेगा। सो यही शार्प बाउंड्री के बारे में बात चल रही है। ओके एंड इसके बाद इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो थोड़े से सैंड ड्यून्स आ जाएंगे, 20% ऑफ द पार्ट अगर देखा जाए तो सैंडी पार्ट है, एकदम से सैंडी पार्ट है। एंड बाकी फिर थोड़ा सा अरिड सेमी अरिड रीजन्स में आता है, थोड़े से सॉल्ट लेक्स एक्सेट्रा यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड यहाँ का एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज होगा दैट इज चिंकारा, जिसको इंडियन गेजल कहा जाता है। और रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम ये थोड़ा सा न्यूज़ में था कि लॉकडाउन के टाइम यहाँ पे थोड़े से इनके जो पोचिंग या हंटिंग होगा। ओके सो यहाँ पे रिसेंटली उनके कुछ हंटिंग देखने को मिले कि ज़्यादा पोचिंग यहाँ पे हो रहा है चिंकारा रिलेटेड। तो इसके एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने द हिंदू न्यूज़ कवरेज जो हमारे सेशंस होते हैं अनअकैडमी ऐप पे, तो वहाँ पे मैंने डेली जो करंट अफेयर्स होता है या मंथली हम जो सीरीज़ कंडक्ट करते हैं, जिसका आज 9 बजे भी एक सेशन होगा जिसमें हम जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं 2021, जितने भी द हिंदू में न्यूज़ आए थे तो उसका, तो वहाँ पे आप देख सकते हो या ओवरऑल ये सीरीज़ पूरी देख सकते हो, पूरे 1 ईयर का द हिंदू न्यूज़ कवरेज है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि लास्ट रिसेंटली कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में, इनके ड्रास्टिकली नंबर्स कम हो चुके हैं, दैट इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके पिक्चर्स में, तो सो दीज आर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इनका भी पॉपुलेशन रिसेंटली बहुत दिनों में अगर देखा जाए तो, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये स्पीसीज में आते हैं IUCN के लिस्ट में, जिनके नंबर्स ऑलमोस्ट 90% से कम हो चुके हैं लास्ट कुछ डिकेड्स में। सो दीज आर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज़ मोस्टली इन दिस पार्ट, और या डेडिकेटेड है इसके लिए, एक सेंचुरी डेडिकेटेड है फॉर दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके एंड रिसेंटली एक CMS का मीटिंग हुआ था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, गांधीनगर गुजरात में लास्ट ईयर। तो उसका मैस्कट जो था, इसका लोगो जो था, तो वो क्या था, गिब्बी। इसको इन शॉर्ट गिब्बी भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ओके तो याद रखना गिब्बी के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहेगा। देन नेक्स्ट है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। सो दिस इज नेशनल पार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी है। ओके थोड़ा सा वेटलैंड काइंड ऑफ रीजन आता है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो एक वेटलैंड भी पार्ट है, और ये मॉन्ट्रेक्स लिस्ट जो होती है, मतलब जहाँ पे बहुत ही रिसेंटली थ्रेट हुआ है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी इंटरेक्शंस या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। सो दिस इज द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट, इट्स ऑल्सो इन द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट। जबकि मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में आउट ऑफ 42 रामसर साइट्स, सिर्फ 2 ऐसे रामसर साइट्स आते हैं कि जो मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में आएगी, जिनको ज़्यादा थ्रेट हुआ है कुछ लास्ट पर्टिकुलर ईयर्स में, तो उसमें से एक रहेगा केवलादेव घाना नेशनल पार्क। और सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है, राइट? अगर पता होगा तो आप लाइव चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो सर्च ऑन गूगल। ओके थोड़ा सा एक असाइनमेंट है आपके लिए, कुछ एक्टिविटीज़ दे रहा हूँ मैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड ये इंटायर नेशनल पार्क जो है, तो वो थोड़े से बर्ड्स के लिए या जो यहाँ पे एवियन स्पीसीज है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस ये सेंचुरी रहेगी। ओके यस वेरी नाइस सोमराज, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपने आंसर दे दिया है, सो चलो अच्छी बात है, मतलब आप लोग एक्टिव भी हो, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके सो रामसर मॉन्ट्रेक्स लिस्ट, चलो ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड यहाँ पे बहुत सारे साइबेरियन क्रेन या साइबेरिया से कुछ स्पीसीज यहाँ पे आते हैं, या हम देख सकते हैं कि थोड़ा विंटर में बहुत हार्श विंटर होता है साइबेरिया में, तो वहाँ से ट्रांसलोकेट करते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा माइग्रेशन होता है। सो ये माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे माइग्रेशंस ये रीजन में होते हैं साइबेरिया से लेके अगर भरतपुर में देखा जाए, या फिर केवलादेव में अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, और ये टेम्प्ररी माइग्रेशन होता है, जैसे समर आ जाता है तो अगेन दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल नेटिव पोजिशन, दैट इज द साइबेरिया पोजिशन। ओके मतलब इसको फ्लाईवेज याद रखना, आज थोड़ा और एक होमवर्क देता हूँ आपको। सो ओवरऑल जितने भी 8 फ्लाईवेज है तो वो देखना है आपको। ओके 8 फ्लाईवेज आते हैं बर्ड फ्लाईवेज की, जो चलते रहता है उनका जो माइग्रेशन है वो सीजन वाइज चलते रहता है, तो वो देखना है आपको। सो इतना ही था देखो केवलादेव में, और केवलादेव सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ राजस्थान में, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इसको एक बार ओवरलुक कर देना। देन नेक्स्ट है बाकी फिर रामसर साइड भी सब, देखे जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि जिसमें सो मिरी मिरी होगा, या फिर जो जितने भी रामसर साइट्स आते हैं। देवपार बिल रिसेंटली डिस्कशन में था कि यहाँ के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, तो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, तो वो बंद किए गए थे। ये हमने जनवरी के 2021 के इसमें करंट में डिस्कस किया था। या देखो यहाँ पे केवलादेव भी आता है एंड लोकटक, सो दीज आर द मॉन्ट्रेक्स लिस्ट। ओके ये 2 रहेगी, तो जिसमें से चिल्का अगर देखा जाए, इट इज़ द लार्जेस्ट लार्जेस्ट यस रामसर साइट इन इंडिया, सो दैट इज चिल्का लेक। बाकी सबकी लिस्ट है, इसके PDF अगर आपको चाहिए, बहुत ही यूजफुल होगी आपके प्रिपरेशन के लिए, तो आप अनअकैडमी पे जा सकते हो ऐप पे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट टाइप सुमित कोंडे। ओके एंड यू विल गेट ऑल द PDFs। सो एनीवेज, तो ये रामसर साइट एटलीस्ट बाकी जो लोकेशन से, तो मुझे लगता है उसके जो लोकेशंस होते हैं, जैसे कि कुछ करंट में होगा तो एटलीस्ट स्टेट तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पोंग डैम लेक है।
तो अभी रिसेंटली वो भी न्यूज़ में था, तो देख लेना ये पोंग डैम कहाँ पे आता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो मेरी मेरी देखोगे तो फिर ये लद्दाख में आता है। ओके, चंद्रताल देखा जाए तो अगेन हिमाचल प्रदेश के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे एटलीस्ट स्टेट तो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट कैलमेरी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, वेमनाडिया अस्तमुड़ी पे भी एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो देन नांदूर मधमेश्वर देखोगे तो उस पर भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है कि जिसपे हम क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, सो सॉरी, हाँ जस्ट थोड़ा सा बैक गया था ये, सो जस्ट अ सेकंड, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा बैक निकल गया था। सो कहाँ थे हम, एमपी में थे ना, बराबर है। सो जस्ट अ सेकंड, सो डायरेक्टली हम महाराष्ट्र में आ गए, जस्ट वेट। सो हाँ यस, यहाँ पे थे हम, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो देखो सिंपल है, तो 42 जो रामसर साइट से, तो उसको अप्रोच क्या रखना है, एटलीस्ट यू शुड नो द स्टेट। ओके, एंड जो न्यूज़ में हो गए तो उनको डिटेलिंग, ठीक है, सो विच आर इन द न्यूज़, तो उसको डिटेल में देखो एग्जैक्टली क्या उसके फैक्ट्स हैं। और जैसे रेणुका अगर देखा जाए तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। ओके, तो चिल्का इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज द रेणुका लेक विच इज़ इन द हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये फैक्ट्स थोड़े से अच्छे से देख लेना और हर स्टेट वाइज देख लेना, ठीक है। द नेक्स्ट इज द रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान। सो रणथंबोर अगेन अगर हम देखते हैं तो बनास एंड चंबल रिवर, इसके नॉर्थ से अगर देखा जाए तो कौन सी रिवर फ्लो होती है, बनास रिवर, जो कि अरावली से निकलती है। ओके, अरावली से टूवर्ड चंबल जाती है, और चंबल की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एंड दैट इज़ बनास। और इसके साउथ में देखा जाए तो चंबल रिवर है, मतलब देखो ऐसे हम अगर कुछ अरावली कंसिडर करते हैं तो यहाँ से बनास निकलती है। ओके, और मालवा से देखा जाए तो चंबल आती है, एंड चंबल जाके मिलते हैं यमुना को। ओके, सो लाइक दिस। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो एग्जैक्टली इसके नॉर्थ में, मतलब यहाँ पे ये लोकेशन हम पकड़ सकते हैं रणथंबोर का, इसके नॉर्थ में रहेगी बनास। ओके, एंड साउथ में कौन सी है, दैट इज चंबल। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज बिटवीन बनास एंड चंबल, सो योर आंसर शुड बी यस, रणथंबोर नेशनल पार्क। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है सबको? नहीं, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट बट नॉट नेसे, सुंदरबन ये कैसा है, बांग्लादेश में भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट आता है ना, ठीक है। सुंदरबन इज नॉट ओनली इन इंडिया, बराबर है। सुंदरबन मतलब किसके बिटवीन का एरिया होगा, यस बताओ, यस सोमराज। सो सुंदरबन मतलब द रीजन बिटवीन हुकली एंड मेघना इज नोन एज द सुंदरबन, एग्जैक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो। और मेघना ये जो पार्ट है तो वो कहाँ पे आता है, यस कहाँ पे आता है मेघना पार्ट, दैट इज इन द बांग्लादेश। ओके, सो इसलिए सुंदरबन ये एक्सटेंडेड होगा, समझ रहे हो, तो इट इज एक्सटेंडेड इन बांग्लादेश ऑल्सो, बट इंडिया का जो सुंदरबन का एरिया वाइज अगर पकड़ते हो सो इट्स अ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन चिल्का। अंडरस्टूड, यस सोमराज, समझ रहे हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट अगर देखा जाए रामसर साइट, अगर हम देखते हैं इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट, सो दैट विल बी चिल्का, नॉट सुंदरबन। क्लियर, अंडरस्टूड, यस सोमराज, समझ रहे हैं, यस ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट है, सो देखो रणथंबोर हमने देखा है, सो थोड़े से ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, जैसे कि राजस्थान का पार्ट है, मतलब थोड़ा सा ड्राई डेसिडियस में ही मिलेगा आपको, ओपन ग्रासी मेडो ऐसे कुछ पार्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द टाइगर, अगेन टाइगर्स के लिए भी फेमस होगा, बाकी बंगाल टाइगर, लियोपर्ड एक्सेट्रा ये सब कॉमन स्पीसीज मिल जाएगी। अब जब करंट होगा तभी हम स्पीसीज पे फोकस करेंगे, अदरवाइज इतने सारे स्पीसीज है तो हर जगह पे हम देख नहीं सकते, अननेसेसरी हमारा जो प्रिपरेशन होता है या अप्रोच होता है तो गलत हो जाता है। तो इसलिए जब न्यूज़ में होगी तो वही स्पीसीज डिटेल में करो। सो रणथंबोर इज नोन एज फॉर इट्स लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बिन डिक्लाइन इन द टाइगर पॉपुलेशन रणथंबोर ड्यू टू द पोचिंग, मतलब पोचिंग से अफेक्टेड हम इसको बोल सकते हैं, तो लास्ट कुछ रिसेंट ईयर्स में, सो इट इज़ वेरी वेरी अफेक्टेड विद द पोचिंग ऑल्सो। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो रणथंबोर समझ गया, यस ग्रेट, ठीक है। सो बस रणथंबोर देख लेना, और इसका लोकेशन बनास एंड चंबल के बिटवीन आता है, बस इतना याद रखो। ओके, सो नेक्स्ट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब ये भी एक पार्ट आएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के जो पार्ट्स है, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान। ओके, अरिड फॉरेस्ट होगा, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है, एंड अरावली रेंज के आसपास अगर देखा जाए तो वो कौन सा आता है, तो नियरेस्ट टू द अरावली, सो दैट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व। ओके, सो टाइगर रिजर्व अगर हम देखते हैं आयुसीएन के फोर्थ लिस्ट में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पे थोड़े से कॉपर होगा या बहुत सारे मार्बल के माइंस है, तो इनमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनको एग्जैक्टली एरिया, मतलब इट इज़ द एरिया विच इज़ अफेक्टेड विद द, ये सरिस्का एरिया इज़ अफेक्टेड विद द माइनिंग एक्टिविटी, मतलब कॉपर एंड जो मार्बल के माइनिंग्स होते हैं इससे अफेक्टेड है।
तो यूपीएससी थोड़ा सा डिटेल में कभी कभार जाती है, तो ये डिटेलिंग वाले भी क्वेश्चन देख लेना या स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि किसको किस वजह से थ्रेट है। तो मार्बल वगैरह जो माइनिंग होता है तो उसकी वजह से अरावली को थ्रेट है, अरावली के रीजन्स को, एंड अरावली के आसपास जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है तो उसको थ्रेट है। सो इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड विथ सक्सेसफुली रिलोकेटेड टाइगर्स। मतलब यहाँ पे रिलोकेशन होते रहता है टाइगर का, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि कीस्टोन स्पीसीज, मतलब ये जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, जो आपके पिरामिड होता है, एंटायर फूड का पिरामिड हम अगर देखते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे टॉप प्रेडेटर मतलब कौन सा होता है, दैट इज़ द कीस्टोन स्पीसीज उसको कहा जाता है। जब कीस्टोन स्पीसीज लॉस होती है तो पूरा एंटायर जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है, तो इसलिए ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर इनके नंबर्स कम हो जाते हैं तो इनका ट्रांसलोकेशन किया जाता है वहाँ पे अदर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से। तो फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया था, ऐसे पहली बार हुआ था कि ये पार्ट्स में हमने सक्सेसफुली रिलोकेशन किया था। ठीक है, तो बस याद रखना सरिस्का के रिलेटेड। देन चलो अभी तक हमने क्या क्या देखा है राजस्थान में, चलो बताओ फास्ट, राजस्थान में कौन से आते हैं? सो दैट इज मुकुंद्रा, मुकुंद्रा, देन डेजर्ट नेशनल पार्क ओवर हियर, केवलादेव घाना यहाँ पे आ जाएगा, रणथंबोर अगर हम देखते हैं तो दिस पार्ट, एंड सरिस्का ये अरावली के पार्ट्स में आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? यस, अंडरस्टूड? ठीक है, यस, ग्रेट। ठीक है, तो राजस्थान समझ गया सबको प्रॉपरली? या ठीक है, तो नेक्स्ट इज द झारखंड। सो झारखंड में एक ही आता है, दैट इज बेटला नेशनल पार्क। झारखंड में कौन सा है? एक ही आएगा, छोटा नागपुर के जैसे हम दो पार्ट करते हैं, सो नदर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर इज नोन एज द हजारीबाग प्लाटू। हजारीबाग प्लाटू, एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज द रांची प्लाटू। तो ये जो रांची प्लाटू है साउथ वाला छोटा नागपुर का, तो यहाँ पे इन साउथ के रीजन्स में आपको मिल जाएगा बेटला। सो बेटला के पार्ट्स में आपको दिखेगा। सो नाउ बेटला नेशनल पार्क इज इन द पलमाऊ रीजन ऑफ दिस झारखंड पार्ट। सो झारखंड के थोड़े से पलमाऊ रीजन्स में आ जाएगा, एंड दिस साल फॉरेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से कुछ रिवर्स फ्लो होती है, लाइक दामोदर एक्सेट्रा रिवर्स फ्लो होगी यहाँ पे, एंड नॉर्थ कोयल रिवर भी यहाँ से फ्लो होती है। मतलब अगर आप छोटा नागपुर देखते हो तो यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ नॉर्थ कोयल जाती है जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। एंड दामोदर यहाँ पे जाती है टुवर्ड द वेस्ट बंगाल, जो कि किसके ट्रिब्यूटरी है? यस, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, एंड इज ऑल्सो नोन एज दामोदर इज ऑल्सो नोन एज द यस सॉरो ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से देखो एग्जैक्टली फ्लो हो रहा है, मतलब अगर ये रीजन्स में देखा जाए तो थोड़ा सा वेटलैंड टाइप ऑफ रीजन आता है, तो इसलिए यहाँ पे वेटलैंड जहाँ पे होगा तो समझ लेना वहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है तराई रीजन्स में तो दैट इज नोन एज द सैल फॉरेस्ट, और बाम्बू भी यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन होगा। सो नॉर्थ कोयल रिवर यहाँ से फ्लो होती है, बस उतना एक फैक्ट अच्छे से याद रखो, बेटला नेशनल पार्क इन झारखंड। तो बस इतना याद रखना झारखंड के बारे में, और बाकी चलो वही है स्पीसीज आपको दिख रहा है, एलिफेंट होगा, वुल्फ, जैकल एक्सेट्रा, वही कॉमन स्पीसीज आ जाते हैं, एंड द टाइगर दैट रिमेन्स इन द पार्क वेयर ट्रांसपोर्टेड टू द जूज। मतलब थोड़े से यहाँ पे नंबर कम से कम है इसलिए तो फिर इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट। चलो हमने आज एमपी देखा है, झारखंड देखा है, तो कल के लेक्चर में हम देखने वाले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 6 नेशनल पार्क्स आते हैं, दैट इज चांदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क जो कि थोड़ा सा अर्बन एरियाज की तरफ आता है, मुंबई की तरफ आता है, एंड ताड़ोबा नेशनल पार्क। सो मोस्टली नवेगांव होगा, गुगामल अगर हम देखते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ताड़ोबा वगैरह ये इसकी तरफ आते हैं, चांदोली देखा जाए तो थोड़ा साउथ की तरफ आता है, ये हम कल कवर कर लेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट इट। इसके पूरे डिटेलिंग हम कल देखेंगे कल के लेक्चर में, कल भी एक 8:30 के आसपास कुछ लेक्चर होगा, एंड नाउ इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन एट 9 PM। सो वी हैव एग्जैक्टली जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, ऑन द अन अकेडमी ऐप भी, बस थोड़े से 5-6 मिनट के बाद वो लेक्चर होगा। सो काइंडली अटेंड दोज लेक्चर विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, कि बिकॉज एनवायरमेंट का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं तो वो डायनामिक या करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, और वो द हिंदू से हिट होते हैं, तो द हिंदू से जितने भी एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज़ थे तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो यू कैन ज्वाइन एट 9 PM एग्जैक्टली राइट आफ्टर दिस लेक्चर ऑन अन अकेडमी ऐप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।